हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ प्रभु जी, बताइए आप कैसे हैं? हरी बोल, मैं तो ठीक हूँ प्रभु जी। और आप तो सर से लेकर पांव तक पूरे बदल गए हैं। कोचिंग में कैसे थे और आज आप तो रंग के साथ आपका व्यवहार ही बदल गया है, क्या बात है जी? प्रभु जी, जब से इस काम से जुड़ा हूँ, चैंटिंग करना, भगवत गीता और स्पिरिचुअलिटी से मैं काफी कनेक्ट हो गया हूँ। अच्छा, आप डेली मंदिर भी जाता हूँ। बताइए आप क्या कर रहे हैं आपके लाइफ? मेरा तो ठीक था प्रभु जी। याद है ना कुछ एक दिन जब मैं 7 बजे उठता था, अब तो 4 बजे उठने की आदत हो गई है। भक्तों के साथ नाचने गाने बंगलो हो, कितना मजा आता है। और बताइए हमारे राहुल प्रभु का क्या हाल चाल है? ओ राहुल प्रभु जी, वो तो मेरे इंस्पिरेशन थे प्रभु जी, वो टॉपर रहे हैं। और जब जब मैं देखता था वो एंजॉयमेंट भी करते थे, पहले पार्टीज में जाते थे, घूमते थे, इतना ही सीट उठाते थे, तो पहले मुझे भी लगता था कि एंजॉयमेंट मैं भी करूं। आप उनका इतना घनिष्ठ मित्र है, आप उनका क्या हाल है बताइए उनके प्रभु जी? क्या है, अब हम लोग माला वाला करने लगे हैं, वो मॉडर्न है, उनका थॉट है कि ये सब ओल्ड है, इस प्राचीन वगैरह। तो वो तो खैर चला गया, एडमिशन हो गया एनआईटी में, वो तो बहुत खुश होगा। प्रभु जी से एक बार हमने को चर्चा कर लेना चाहिए कि क्या हाल चाल है उनका। कॉल कर लेते हैं राहुल जी को, स्पीकर में कीजिए प्रभु जी, ताकि मैं इस संवाद का आनंद ले पाऊं। अरे यार क्या करूं, इतना टेंशन, इतना एग्जाम का पूरा दिमाग, जिंदगी झंड पड़ी है। ये कौन कॉल कर रहे हैं? कॉल कट कर दिया, सोचे थे भाई एनआईटी में है, इंटेलिजेंट है, बहुत खुश होंगे। प्रभु जी एक बार और कॉल करके देखिए। एक बार करें? एक बार, एक बार। पक्का संडे प्रोग्राम में अच्छा रहे? संडे प्रोग्राम में बुलाते हैं, उनका जुड़ने का बहुत अच्छा माध्यम रहे। अरे ये तो वही गोविंद है, हरे कृष्ण वाला पागल, जो जेई की तैयारी छोड़कर हरे कृष्ण में ज्वाइन किया था। चलो उठा लेता हूँ। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? अरे ये क्या हरे कृष्णा लगा रखे यार तुम, इधर जिंदगी झंड पड़ी हुई है, इधर घर में माँ बाप लोग तो छोड़ नहीं रहे, इधर टीचर पड़ोसी सब हालत बैंड किए रहे हुए, जिंदगी में ना कुछ सही चल ही नहीं रहा है। अच्छा, बहुत डिप्रेशन में है। इधर एक तो रिया भी इधर परेशान कर रखी है, इधर टॉमी को घुमाने ले जाओ तो बाद में पता चलता है कि लोग टॉमी को पूछ रहे हैं कि किस कुत्ते के साथ घूम रहे हैं। अरे यार जिंदगी ठंड है यार, अब क्या बताओ, बस ऐसी लग रहा है कि सुसाइड कर लूँ। हाँ प्रभु जी, आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि आप संडे प्रोग्राम में आइए, और इतने सारे प्रोग्राम होते हैं तो बहुत सारे फैसिलिटेट भी किए जाते हैं ना, तो एक ऑप्शन हो सकता है आपको इससे बचने के लिए। बहुत सारे यूथ जो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में थे, डिप्रेशन में थे, कोई सुसाइडल थॉट उनको आते थे, किसी में पढ़ाई में मन नहीं लगता था, है ना, कोई नशा बहुत करते थे, तो वो सब उनका छूट गया। आप एक बार संडे प्रोग्राम अटेंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। प्रभु जी आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्न यूथ जो निबन भी एक दूसरे से मिलेंगे लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे, जो फोन पर घंटों बात करेंगे लेकिन हरी नाम नहीं करेंगे, जो ब्रेकअप होने के बाद अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग सुनेंगे लेकिन जब नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में तो होंगे ही, yes, है ना प्रभु जी? तो मॉडर्न यूथ को यही सलाह देते हैं कि कीर्तन कीजिए, जप कीजिए और इस्कॉन ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा हरे बोल।